हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको अशुद्ध से शुद्ध वर्तनी लिखना सिखाएंगे। बच्चों, वर्तनी को इंग्लिश में स्पेलिंग कहते हैं। तो आज हम यहाँ पर कुछ अशुद्ध स्पेलिंग को यानी वर्तनी को लिख लिए हैं, उसको हम शुद्ध करना सिखाएंगे। भाषा में शुद्ध उच्चारण तथा सही लिखने का बहुत महत्व है। मात्रा बदलने से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। वर्तनी के बदलते ही या तो शब्द के अर्थ बदल जाते हैं या वे निरर्थक हो जाते हैं। यानी बच्चों, अगर हमारा उच्चारण गलत रहेगा, अगर हम सही से उच्चारण नहीं करेंगे, तो फिर उसका स्पेलिंग जरूर से ज़रूर गलत हो जाएगा। इसलिए सही स्पेलिंग लिखने के लिए, सही वर्तनी लिखने के लिए सही उच्चारण का बहुत ही महत्व है, बहुत ही ज़रूरी है सही उच्चारण करना। तो आइए बच्चों, आज हम कुछ शब्दों के माध्यम से मात्राओं का सही प्रयोग और शुद्ध शब्द लेखन सीखते हैं। तो चलिए हम आपको सही स्पेलिंग लिखना सिखाते हैं। यहाँ हम देखिए अशुद्ध वर्तनी को लिखे हैं, इसको हम सही करेंगे। स्कूल का सही स्पेलिंग होगा स्कूल, बड़ी हो जाएगा। यहाँ देखिए दवाइयाँ, इसका सही स्पेलिंग होगा दवाइयाँ, ये बड़ी जो है ये छोटी का रूप ले लेगा। विज्ञान, इसका सही स्पेलिंग होगा विज्ञान, ज्ञा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए विद्यालय, विद्यालय नहीं होता बच्चों, क्या होता है विद्यालय, ये द्य विद्यालय। नेक्स्ट देखिए सुंदर, सुंदर नहीं होगा, यहाँ पर दंसा हो जाएगा, बिंदु दर सुंदर। गुरु, गुरु बड़ी यू नहीं होगा, र में छोटी हो जाएगा गुरु। नेक्स्ट देखिए घोड़ा, घोड़ा नहीं होता बच्चों, यहाँ क्या होगा घोड़ा। नेक्स्ट देखिए परीक्षा, यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, इसको सही करते हैं, र में बड़ी छ में आ, परीक्षा। नेक्स्ट देखिए बच्चों लड़ाई, लड़ाई नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा लड़ाई, ये र नहीं होगा अड़ा हो जाएगा। क्योंकि, क्योंकि नहीं होगा, यहाँ पर होगा क्यों की, क्योंकि। यहाँ देखिए नेक्स्ट बीमार, बीमार स्पेलिंग गलत है, ये होगा शुद्ध वर्तनी बीमार। यहाँ देखिए प्रश्न, यह होगा प्रश्न, ये स्पेलिंग सही होगा प्रश्न। क्षमा, क्षमा नहीं होगा क्षमा, ये क्षमा हो जाएगा क्षमा। कक्षा, कक्षा नहीं कक्षा, ये स्पेलिंग सही होगा छिया। यहाँ देखिए अनुस्वार दिया हुआ है दांत, यहाँ हो जाएगा चंद्र बिंदु दांत। नेक्स्ट देखिए उज्जवल, ये स्पेलिंग गलत है ये वर्तनी, ये उज्जवल स्पेलिंग सही होगा आधा ज फिर आधा ज फिर व और फिर ल, उज्जवल। नेक्स्ट देखिए व्यवहार, स्पेलिंग गलत है, ये हो जाएगा सही स्पेलिंग व्यवहार, व्यवहार। नेक्स्ट देखिए सम्मान, सम्मान स्पेलिंग गलत हो जाएगा, ये होगा सही सम्मान, सम्मान। नेक्स्ट देखिए अध्ययन, अध्ययन नहीं होता बच्चों, हो जाएगा यहाँ सही स्पेलिंग अध्ययन, अध्ययन। फिर नेक्स्ट देखिए अतिथि, अतिथि नहीं अतिथि, ये स्पेलिंग ऐसे हो जाएगा अ त में भी हर्षी और थ में भी हर्षी, अतिथि, ये स्पेलिंग सही होगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों पढ़ाई, पढ़ाई में गलत स्पेलिंग है, ये हो जाएगा पढ़ाई स्पेलिंग, ये स्पेलिंग सही है।
ये ड़ नहीं होगा, ये अड़ होगा। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए जमुना, जमुना नहीं होता बच्चों, ये स्पेलिंग सही होगा यमुना, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट देखिए चाहिए, चाहिए स्पेलिंग ऐसे नहीं होता है बच्चों, ये गलत है, ये हो जाएगा चाहिए, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट देखिए गई, गई स्पेलिंग ये गलत है, ये स्पेलिंग सही है गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बाजार, बाजार नहीं होता बच्चों, यहाँ पर होगा बाजार, बाजार यानी ब में आ की मात्रा आएगा। फिर नेक्स्ट देखिए अंतर्राष्ट्रीय, स्पेलिंग गलत है, ये स्पेलिंग सही होगा अंतर्राष्ट्रीय, अंतर अंतर्राष्ट्रीय, ये स्पेलिंग सही होगा अंतर्राष्ट्रीय। फिर देखिए नेक्स्ट अनुच्छेद, अनुच्छेद नहीं होता है अनुच्छेद, अनुच्छेद लेखन आप लिखते हो ना वही अनुच्छेद। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए कृपया, कृपया नहीं कृपया, कृपया ये स्पेलिंग सही होगा। फिर नेक्स्ट देखिए और रोशनी, रोशनी स्पेलिंग गलत है, इसका सही स्पेलिंग होगा रोशनी, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लीजिए पूज्यनीय, पूज्यनीय ऐसे नहीं होगा पूजनीय होगा, पूजनीय, ठीक है पूजनीय। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अनुग्रहित, अनुग्रहित स्पेलिंग ये गलत है, अनुग्रहित नहीं होगा अनुग्रहित, ये स्पेलिंग सही होगा देख लीजिए आप, अनुग्रहित गमेरी हो जाएगा हमें बड़ी और त, अनुग्रहित, अनुग्रहित नहीं होता है अनुग्रहित। फिर यहाँ पर देखिए हूँ, हूँ नहीं होता बच्चों, यहाँ हो जाएगा हूँ बड़ी ऊ हूँ। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों यहाँ पर बताइए स्पेलिंग गलत है, ये बर्तनी गलत है, इसको शुद्ध लिखते हैं बताइए, बताइए ऐसे स्पेलिंग सही होगा, ये दोष स्पेलिंग गलत है, इसका सही स्पेलिंग होगा मधनश दोष। नेक्स्ट देखिए साप्ताहिक, साप्ताहिक नहीं होता बच्चों, साप्ताहिक समय आ हो जाएगा साप्ताहिक, ये स्पेलिंग सही है। फिर यहाँ देखिए आशीर्वाद, ये गलत है, आशीर्वाद सही होगा, आशीर्वाद स्पेलिंग देख लीजिए ये होगा सही स्पेलिंग आशीर्वाद। नेक्स्ट देखिए रुपया, यहाँ पर र में छोटी यू हो जाएगा बच्चों, इसको बड़ी यू बोलते हैं और ये हो जाएगा रुपया में छोटी यू, र में छोटी यू प यम आ रुपया। फिर देखिए यहाँ बच्चों आकाश, ये स्पेलिंग गलत है, यहाँ हो जाएगा आकाश, आकाश। नेक्स्ट देखिए आशा, आशा स्पेलिंग गलत है, ये हो जाएगा सही आशा श। नेक्स्ट देखिए साधारण, साधारण स्पेलिंग गलत है, ये हो जाएगा साधारण, ये मधना हो जाएगा दंतना, ये अढ़ा मधना हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए चटाई, चटाई ये क्या हो जाएगा बड़ी हो जाएगा चटाई। फिर नेक्स्ट देखिए ऐतिहासिक, ऐतिहासिक कोई अर्थ नहीं है, ये हो जाएगा ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक नहीं ऐतिहासिक,
सही स्पेलिंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट देखिए कवित्री, ये स्पेलिंग भी गलत है, ये वर्तनी गलत है, ये हो जाएगा कवित्री, ये स्पेलिंग सही होगा। और यहाँ लास्ट देखिए, इसको हम सिखाते हैं। ऐसे तो बच्चों बहुत सारा स्पेलिंग है, उतना तो वीडियो में नहीं सिखाया जाएगा, तो यहाँ तक हम सिखा रहे हैं। और इसको आप कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। आवाज़, आवाज़ नहीं होता बच्चों, क्या होता है आवाज़, आ हो जाएगा, अ क्या हो जाएगा आ, और फिर वा और ज, आवाज़। तो बच्चों आप इन सब स्पेलिंग को आप लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों पहली बार अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हो तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।